हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम कुछ जनरल चीज़ें सीखेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो पहला हमारा है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कि हमारी फाउंडेशन की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो 0.75 मीटर टू 1 मीटर फॉर सिंगल स्टोरेड बिल्डिंग बेलो ग्राउंड लेवल, 1 मीटर टू 1.3 मीटर बेलो ग्राउंड लेवल फॉर 2 स्टोरीड बिल्डिंग। ये तो हमारा हो गया डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का। दूसरा हमारा है विड्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ वॉल, अगर वॉल के नीचे आपका फाउंडेशन कितना होना चाहिए विड्थ उसका, तो उसका है डबल द थिकनेस ऑफ वॉल जस्ट एबव द प्लिंथ एंड देन एड 30 सेंटीमीटर टू इट विल गिव द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। डबल आपकी जो प्लिंथ लेवल के ऊपर वॉल हमारी जो होती है उसका डबल, और उसमें ऐड करना है 30 सेंटीमीटर, वो आपका हो जाएगा फाउंडेशन का विड्थ। दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राउंड लेवल का कैसे पता चलेगा, तो मैंने यहाँ नीचे एक फिगर बनाया हुआ है। ये हमारा ग्राउंड लेवल होता है, जो हमारा इसके नीचे ग्राउंड लेवल के नीचे जो हम जाते हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे जो हम जाते हैं डेप्थ, वो डेप्थ आपको करनी है जो यहाँ पे दे रखा है 0.75 से 1 मीटर। पॉइंट यहाँ से अगर 1 मीटर रखते हैं तो वो सिंगल स्टोरी बिल्डिंग के लिए हो जाएगा, अगर 2 मीटर इसको करते हैं एंजल के नीचे तो वो आपका 2 स्टोरी बिल्डिंग के लिए हो जाएगा। आपका प्लिंथ लेवल इसके ऊपर आता है जी, इसका आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर प्लिंथ लेवल आता है। ये तो आपका क्लियर हो गया कि ग्राउंड लेवल के नीचे, ग्राउंड लेवल क्या होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा फाउंडेशन जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा है सिल्स और लिंटल एंड वेदर शेड, सील लिंटल एंड वेदर शेड। अब सील के बारे में भी आपको पता होगा, लिंटल के बारे में भी पता होगा, और वेदर शेड के भी बारे में पता होगा। तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको समझाते हैं एक एक करके। विंडो सील, जो विंडो की सील होती है, आर प्रोवाइडेड बिटवीन द बॉटम ऑफ विंडो फ्रेम एंड एबव द टॉप ऑफ द वॉल बेलो। ये आपका हो गया विंडो सील का। अब विंडो सील क्या होती है, ये आपकी वॉल हो गई, ये आपकी वॉल यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद ये आपकी विंडो हो गई, ये विंडो की फ्रेम आ गई, इसको हम सील बोलते हैं। जो विंडो के नीचे होती है इसमें दे रखा है टॉप ऑफ द वॉल बेलो, नीचे वाली जो वॉल है उसका टॉप, विंडो फ्रेम, विंडो सील आर प्रोवाइडेड बिटवीन, बिटवीन मतलब वॉल और इसके फ्रेम के बीच में ये सील होती है, इसको सील बोलते हैं। तो ये हमारा सील हो गया। अब हम आते हैं द लिंटल प्रोवाइडेड अबव द ओपनिंग ऑफ विंडो, जो लिंटल होता है हमारा प्रोवाइड किया जाता है ओपनिंग अबव, ये हमारी ओपनिंग हो गई, ये अबव हो गया, तो ये हमारा जो हिस्सा है ये इसको हम लिंटल बोलते हैं, जो हमारे विंडो के ऊपर होता है। विंडो के नीचे जो होता है वो होता है सील, और विंडो के जो ऊपर होता है वो होता है लिंटल। ये दो चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा, इसको लिंटल बोलते हैं और इसको सील बोलते हैं। तो द लिंटल इज प्रोवाइडेड अबव द ओपनिंग ऑफ विंडो डोर एंड वेंटिलेटर्स इन द वॉल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वॉल अबव द ओपनिंग। अब इसके ऊपर जो हमारी वॉल होती है,
इसके ऊपर जो हमारी वाल होती है, ये वाली वाल, इस वाली वाल का वेट लेने का भी काम करता है ये, जो इसके लिंटल के ऊपर जो वाल होती है उसका वेट लिखा हुआ है इस पे, इन द वाल टू सपोर्ट द वेट ऑफ द वाल अबव द ओपनिंग, कि जो ओपनिंग के ऊपर वाल है उसका सपोर्ट द वेट, उसका वेट को सपोर्ट करता है ये। वेदर सेट आर छज्जा आर जनरली कंबाइन विथ लिंटल टू प्रोटेक्ट द डोर विंडो आर वेंटिलेटर फ्रॉम सन रेन विंड ईटीसी। अब हमारा जो छज्जा होता है, वेदर सेट जिसको बोलते हैं, ये विंडो के आगे अक्सर हम लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं छज्जा, वेदर सेट इसको बोला जाता है। ये हमारा प्रोटेक्ट करता है धूप से, बारिश से और हवा से, ये हमारा इसको विंडो को प्रोटेक्ट करता है, इसको वेदर सेट बोला जाता है। तो वेदर सेट जनरली क्या होता है कि लिंटल के साथ ही कंबाइन होता है, कि जहाँ लिंटल देते हैं लिंटल के साथ ही उसका स्टील निकलता है और लिंटल के साथ ही कंबाइन होता है वो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने सीखा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, कि फाउंडेशन की डेप्थ हमारी कितनी होनी चाहिए, विड्थ ऑफ फाउंडेशन ऑफ वॉल, वॉल जो हमारी होती है उसका फाउंडेशन की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तीसरा हमने सीखा सील, लिंटल एंड वेदर सेट के बारे में पूरी जानकारी हमको हासिल हो गई। अगर हमारे नए व्यूअर जो होंगे जिनको कंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं पता होगा उनको ये चीज़ पता जाएगा, इसको सील बोलते हैं, इसको लिंटल बोला जाता है, ये जो आगे छज्जा निकलता है उसको वेदर सेट बोलते हैं, और इसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है और इसके टेक्निकल रीज़न क्या हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाएगा। लिंटल क्यों डालते हैं, लिंटल के ऊपर जो वाल आती है उसका वेट को सपोर्ट करने के लिए लिंटल डाला जाता है हमारा। छज्जा क्यों डाला जाता है, छज्जा हमारा धूप से, हवा से और बारिश से बचाने के लिए, ये हमारा वेदर सेट होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मेरी इस दी गई जानकारी से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। मेरी अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद।